नमस्कार दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नोकिया के कीपैड मोबाइल में मैसेज सेटिंग कैसे करें। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। दोस्तों देखिए, एक मोबाइल है, कीपैड है और नोकिया का है, तो मैं इसी मोबाइल में आपको बताने वाला हूँ कि मैसेज सेटिंग कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, इधर आप देख रहे हैं, ये है ऑप्शन अपना मैसेज का, ये ऊपर है कॉन्टैक्ट्स का, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं कॉल लॉग, ये कॉन्टैक्ट, ये अपना मैसेज का सेटिंग, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जितने भी फंक्शन है, सभी फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें सेटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ओपन किया और सबसे पहले आप देख रहे हैं ये लिखा है क्रिएट मैसेज। क्रिएट मैसेज तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हमको कुछ टाइप करना है और कुछ टाइप करने के बाद हमको जिस नंबर पर भेजना है वहाँ से हम भेज सकते हैं। तो क्रिएट मैसेज का आपको पता है, ये होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स में दोस्तों आपको पता ही है कि जो कोई कहीं से मैसेज आते हैं तो वो इसमें रहते हैं, इनबॉक्स हो गया। सेंट आइटम्स, सेंट आइटम्स में दोस्तों आपको पता ही है कि जो भी हम मैसेज सेंड करते हैं, जिन नंबरों पर सेंड करते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं, तो ये आपको पता है। अभी आता है दोस्तों चौथा जो ऑप्शन है, ड्राफ्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं रहती। तो दोस्तों ड्राफ्ट वो होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैसेज सेटिंग है और क्रिएट मैसेज में दोस्तों जैसे हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने टाइप किया ही, एक मैंने मैसेज कर दिया और ये जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर का ही, ये यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कर दूँगा, ये जो दिख रहा है ना सेव मैसेज, ये मैंने सेव कर दिया सेव मैसेज, तो जो मैंने सेव मैसेज किया है ये वहाँ पर शो होगा, ठीक है। अब वहाँ पर शो होगा, देखिए जैसे मैं जाता हूँ, ये अपना मैसेज, मैसेज में यहाँ पर चौथे पर जाऊँगा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में गया, देखिए दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हमें किसी के लिए यहाँ सेंड करना है तो यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए फिर वही ऊपर वाले पर जाएंगे और ये है एडिट का ऑप्शन, एडिट पर ऑप्शन करने के बाद जो भी हमें करना है और यहाँ से हम जिसको भी सेंड करना है यहाँ से हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया, चौथा ऑप्शन समझ में आ गया। अब दोस्तों पाँचवा ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं, ठीक है, और सोकर उठते हैं हम, हमारी जैसे आदत होती है कई लोगों की, हम बहुत सारे लोगों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जैसे हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं सुबह सुबह, तो हम क्या करना पड़ता है, सबके नंबरों पर गुड मॉर्निंग लिख के सेंड करते हैं, तो दोस्तों उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक लिस्ट बनती है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक बार भेजना पड़ेगा गुड मॉर्निंग, और हमें जितने लोगों का नंबर इस लिस्ट में शामिल होगा वो सब लोगों को एक बार में ही गुड मॉर्निंग चला जाएगा, तो हमारा टाइम आराम से बच जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट आप बना सकते हैं। दोस्तों ये आता है स्क्रीन मैसेज। स्क्रीन मैसेज ये वो रहते हैं दोस्तों, कई बार क्या रहता है, जैसे कोई व्यक्ति हमें लगातार मैसेज कर रहा है, उस व्यक्ति से हम परेशान हो गए, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति के मैसेज को ब्लॉक कर देंगे। जब दोस्तों हम उस व्यक्ति के मैसेज को ब्लॉक कर देंगे तो फिर दोस्तों वो व्यक्ति मैसेज तो कर सकता है, पर वो मैसेज क्या करेंगे, जैसे मैसेज यहाँ पर आते हैं इनबॉक्स में, इनबॉक्स में नहीं आएंगे, ठीक है, और हमें मैसेज का एंटीवेशन भी नहीं मिलेगा, पर वो मैसेज हमें यहाँ क्रिएट, जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर स्क्रीन मैसेज में आकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो होता है, ये होता है दोस्तों डिलीट मैसेज। डिलीट मैसेज मतलब यहाँ पर हम कोई भी मैसेज डिलीट करते हैं, जैसे ऑल रीड मैसेज हैं, इनबॉक्स के हैं, ड्राफ्ट के हैं, सेंट आइटम के हैं, या स्क्रीन मैसेज हैं, सारे मैसेज डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों मैसेज काउंटर, यहाँ से भी दोस्तों सेंड मैसेज हैं, रिसीव मैसेज हैं और क्लियर काउंटर, यहाँ से हम मैसेज वो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कि सेंड रिसीव जो भी हमें करना है डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक ऑप्शन और आता है, ये आता है मैसेज सेटिंग। मैसेज सेटिंग को अगर मैं चालू करता हूँ यहाँ पर दोस्तों, जैसे दोस्तों एक ऑप्शन है सेंडिंग प्रोफाइल। जैसे दोस्तों हमें किसी के नंबर पर मैसेज सेंड करना है, ठीक है, तो मैसेज सेंड करने के लिए ज़रूरी है, जैसे दोस्तों ये मोबाइल है नोकिया का मोबाइल है कीपैड, और दोस्तों ये इसमें सिम डली है आइडिया की, तो दोस्तों इसमें आइडिया की सिम डली है, तो ये आइडिया वालों का ये नंबर है, ये नंबर यहाँ पर प्लस के साथ शो होना चाहिए, तभी दोस्तों क्या है किसी के नंबर पर मैसेज कर पाएंगे। अगर ये नंबर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, नहीं डला है, तो मैसेज नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक ऑप्शन है डिलीवरी और रिपोर्ट्स, डिलीवरी रिपोर्ट्स, अगर इसको हमें ऑन करके रखेंगे तो डिलीवरी रिपोर्ट आएगा, और नो करके रखेंगे तो नहीं आएगा, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है नो स्क्रीनिंग। नो स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जैसे हम कोई व्यक्ति हमें लगातार मैसेज कर रहा है, अब दोस्तों उस मैसेज को हमने ब्लॉक कर दिया, तो जिस नंबर के मैसेज को हमने ब्लॉक करा है वो नंबर यहाँ पर शो होगा, ठीक है, नो स्क्रीनिंग, ये हो गया। अब दोस्तों बस ये इतनी सी सेटिंग्स थी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को आप लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें। धन्यवाद।